अब देखते हैं हम व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? इन्हें हम जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं, या व्यंजन वर्णों को हमें उच्चारण करना है तो हम स्वर की सहायता से इनका उच्चारण करते हैं। व्यंजन वर्णों को अगर हम देखें कि इनको कितने भागों में बांटा गया है, तो बेसिकली ये तीन प्रकार के होते हैं। यहाँ पर चार प्रकार के दिखाए गए हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, कैसे लेकर मैं तक, कह कह गए गण, चैण, तैण, तैण, इस तरीके से टोटल 25 स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं। स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं। फिर होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ये रे ले बे, ये 4 अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। उष्म व्यंजन होते हैं 4, से 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 है, ये 4 उष्म व्यंजन होते हैं। टोटल 33 यहाँ पर व्यंजन होते हैं। और ये दो ड और ड उच्छिप्त या ताड़न जात कहलाते हैं। जैसे ही कोई वर्ण सिंगल होता है, जैसे क है, क के हलंत लगा हुआ है, अगर इसमें ए विसर्ग जुड़ जाता है तो ये कंप्लीट वर्ण है, कंप्लीट वर्ण है, वो बन जाता है क। तो इस तरीके से ये कंप्लीट व्यंजन का रूप ले लेता है, क्योंकि तो यहाँ पर हलंत हट जाता है। जैसे ही हम इसमें स्वर मिलाते हैं तो यहाँ से हलंत हट जाता है। उच्चारण के अनुसार व्यंजन के भेद देखें तो उच्चारण के अनुसार ये बेसिकली यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण में क्या आते हैं? टोटल 20 होते हैं अल्पप्राण, महाप्राण टोटल 15 होते हैं। अल्पप्राण क्या होता है? अल्पप्राण के अंदर जिन व्यंजनों का वर्णों का उच्चारण में कम समय लगे और कम प्रयत्न करना पड़े उन्हें हम कहते हैं अल्पप्राण। इसमें आते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर, ये अल्पप्राण आते हैं। जैसे क ग ण च छ ण त ठ ण त द द त द न प ब म, इस तरीके से अल्पप्राण आते हैं। और चार ये हैं य र ल व, ये सारे अल्पप्राण के अंदर आते हैं, तो टोटल 20 होते हैं। इसी तरीके से महाप्राण के अंदर आते हैं जो दूसरा और चौथे वर्ण है प्रत्येक वर्ग के, वो आते हैं यहाँ पर। जैसे ख ग छ म थे ने थे धे ढे ढे पे फे पे मे पे भे, तो यहाँ पर क्या है? जैसे कि यहाँ पर है महाप्राण के अंदर से है, अब हम देखते हैं कि वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। जहां पर हम श्वास रोकते हैं बोलते समय, जहां पर स्वरों को हम रोकते हैं वो कहलाता है उच्चारण स्थान। जैसे कंठ है, कंठ से दो स्वरों का उच्चारण स्थान होता है ए आ, ये कंठ से आते हैं। और व्यंजन है क वर्ग पूरा, व्यंजन कंठ से आता है। और है वर्ड है वो भी कंठ से आता है। उसके बाद में तालव्य यानी कि जीव, तालु से छोटाई और बड़ाई दोनों जीव की सहायता से बोले जाते हैं। और इधर चे वर्ग य और से है, जीव की सहायता से बोले जाते हैं। फिर मूर्धन्य, मूर्धन्य री, ओनली री बोला जाता है। और टैके, टैका रे, अगर टै को यहाँ पर रे बनाना है, यहाँ पर टै को अगर रे बनाना हो तो क्या करेंगे? मूर्धन्य में टे वर्ग पूरा आ जाएगा और रे और से आ जाएगा। फिर है दंत, दंत मतलब कि दांत, दांत से किसी भी स्वर का उच्चारण स्थान नहीं होता है, लेकिन व्यंजन ते वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। ले और से में भी दांत की जरूरत होती है। फिर ओष्ठ, ओष्ठ होते हैं होठ, होठ में छोटा हो बड़ा हो ये दो आएंगे। और पंचम वर्ग आएगा, पे वर्ग का कंप्लीट आएगा, होठ में पे वर्ग कंप्लीट आएगा। फिर है नासिक के, नासिक मतलब नाक, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण आएगा, जैसे ण ण ण में और अनुस्वर आएगा। उसके बाद में है दंतोष्ट, दंतोष्ट में क्या है? स्वर कोई भी नहीं है, व्यंजन है बे और फे, ये व्यंजन है। उसके बाद में कंठ तालव्य,
कंठ तालव में ए और ए ये दो वर्ड आते हैं। उसके बाद में कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठों से ओ और औ ये दो वर्ड आते हैं कंठोष्ठ से। फिर है जिहा मूलिय, जिहा मूलिय से कै और खै ही बाहर आते हैं। अब है कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर दो तरीके के वर्ण व्यंजन होते हैं, एक अघोष व्यंजन एक सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन क्या होते हैं? अघोष व्यंजन में ये सिस्टम होता है कि टोटल वो फैमिली मेंबर होते हैं, जैसे कि 12 टोटल फैमिली मेंबर हैं, तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ग हम ले लेते हैं इसमें, और से 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 विसर्गिक वर्ण है वो हम अघोष में ले लेते हैं। उसके बाद में सघोष, सघोष में सभी स्वर आ जाते हैं, और विसर्ग के अंदर 3 4 5 यानी कि किसी भी वर्णमाला का, जैसे कै खै गै घेणै है तो 3 कै खै गै घेणै, इस तरीके से 3 4 5 लेटर अपने वर्ड के लेने हैं, फिर यरे लैबे है, ये सघोष व्यंजन के अंदर आते हैं। अब देखते हैं परिभाषा, परिभाषा के अंदर भाषा क्या है? सबसे छोटी इकाई है ध्वनि की। भाषा को लिखित रूप में समझाना वर्ण कहलाता है, और व्याकरण क्या कहलाता है? हम यहाँ पर देखते हैं कि भाषा को शुद्ध रूप में लिखना ही व्याकरण कहलाता है। ध्वनि क्या कहलाती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो ध्वनि है। वर्ण क्या कहलाता है? वर्ण व्यवस्थित समूह है, यानी कि वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है वर्णमाला कहलाता है। और वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। मुंह से निकलने वाले स्वतंत्र ध्वनि को स्वर कहते हैं, अन्यथा उसको व्यंजन कहते हैं। उसके बाद में आया है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर में क्या हुआ? अनुस्वर के अकॉर्डिंग से संयुक्त अक्षर है, स्वरों से रहित व्यंजनों के मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये संयुक्त अक्षर भी कहलाते हैं, जैसे बच्चा, टक्कर, मच्छर, चक्की, मक्खी, आम्र, महामत, नंद आदि, ये सारे हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षरों में परिवर्तित विशेष रूप से किस तरीके से किया जाता है? जैसे क्षत्रिय है तो क्षत्रिय को किस तरीके से लिखेंगे हम? क्षत्रिय को लिख सकते हैं कै से ए, तो वो बन जाता है हमारे पास में क्षत्रिय है संयुक्त व्यंजन के अंदर। कै प्लस से प्लस ए, तो ये हमारे पास बन जाता है क्षत्रिय, क्षुधा या कक्ष। अब इसे त्रुटि में लिखनी है तो त्रुटि में 3 व्यंजन आते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इसके अंदर 3 व्यंजन आते हैं। इसी त्रुटि को हम त्रय को लिखते हैं, त्रुटि में कितने अक्षर है यहाँ पर समाहित होते हैं, तो त्रुटि में त रे प्लस ए, इस तरीके से समाहित होते हैं। इसी तरीके से विज्ञान, ज्ञाता, ज्ञानी, ये गैसे बनाए गए हैं, और श्रृंखला, श्रेय, श्रवण, श्रम, ये सारे से प्लस रे प्लस ऐसे मिलकर बनाए जाते हैं। प्रयत्न के अनुसार व्यंजन हम देखते हैं। प्रयत्न के अनुसार व्यंजन में हम बेसिकली क्या देखते हैं कि उच्चारण के समय मुंह से अंदर किया जाने वाला या मुंह के अंदर किया जाने वाला यत्न, उसे हम कहते हैं प्रयत्न। उसके अकॉर्डिंग जो व्यंजनों के प्रकार हैं वो टोटल 8 प्रकार हैं। पहला स्पर्श है, दूसरा स्पर्श संघर्षी, तीसरा नासिक, चौथा पार्श्विक, पांचवा कंपित प्रकंपित, छठवा उच्छित, और सातवां संघर्षी, और आठवां अर्धस्वर। पहला हम देखते हैं स्पर्श। स्पर्श में क्या है? कोई भी अंग है वो स्पर्श करता है एक अंग दूसरे अंग को, जैसे कि खे खे गे घे, ये क्या करते हैं? जीभ का पिछला हिस्सा तालु को यानी कि
हमारे अंदर मुंह के अंदर तालू होती है जीभ के नीचे, उसको स्पर्श करता है। इसी तरीके से चय छय जय जय में जीहा जो जीव है हमारी उलटकर तालू को मध्य में प्रवेश करती है, यानी मध्य में टच करती है, स्पर्श करती है। उसके बाद में है तय थय दय, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जीभ का ऊपर दांतों से स्पर्श होता है। उसके बाद में है पै फ भय, तो यहाँ पर जीभ है वो तालू के पिछले हिस्से को स्पर्श करती है। अब है स्पर्श संघर्ष। स्पर्श संघर्ष क्या होते हैं? ऐसे व्यंजन जो स्पर्श हैं और साथ में संघर्ष भी उनके लिए करना पड़ता है, जैसे कि चय, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, छय जय झय, ये सारे हैं वो स्पर्श संघर्ष के अंदर आते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं नासिक। नासिक मतलब नाक से कौन कौन से आते हैं, जैसे ण ण ण, ये नासिक के द्वारा बोले जाने वाले व्यंजन है। फिर है पार्श्विक, जो जीभ के आगे के हिस्से और मसूड़े को स्पर्श करते हैं, जैसे कि ले, ये पार्श्विक व्यंजन है ले। प्रकम्पित व्यंजन है रे, इसको हम लुण्ठत भी कहते हैं। इसका क्या फायदा है कि इसके उच्चारण करने पर ये कंठ पकड़ते हैं, हम कंठ को टच करते हैं तो वो कंपन महसूस करता है, तो वो कहलाता है प्रकम्पित व्यंजन। उच्छिप्त या ताड़न जात रह और रह है, ये व्यंजन उच्चित और ताड़न जाते हैं। उसके बाद में उच्चित व्यंजन और ताड़न जात व्यंजन, इनके उच्चारण के समय जीभ और नाक के तालों को सटाकर फिर झटके से नीचे फेंका जाता है, जैसे ण। संघर्षी, संघर्षी में क्या होता है कि ज्यादा संघर्ष व्यंजन को बोलने के लिए करना होता है, जैसे कि हम फे, तो ये फे है नीचे के होठों की सहायता से बोला जाएगा, ऊपर के दांतों की सहायता से बोला जाएगा। फिर से वे जय, तो ये जिहाग्र इसकी सहायता में बोला जा रहा है, और ये मसूड़े इसकी सहायता से बोला जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि से और जय में जीभ का आगे का हिस्सा और मसूड़े के मध्य, सह और जय में जीभ का आगे का हिस्सा और मसूड़े के मध्य स्पर्श कर रहे हैं, तो इसलिए हमने ये उदाहरण लिया। उसके बाद में सह षटकोण वाला है, जीभ का आगे का हिस्सा और कठोर तालु आपस में संघर्ष स्पर्श कर रहे हैं, यानी संघर्ष कर रहे हैं स्पर्श करने के लिए। फिर खे और गय है, ये जीभ का पीछे का हिस्सा प्लस तालु का जो पीछे का हिस्सा होता है वो आपस में टच करते हैं, तो वहां पर ये संघर्ष ही काम आता है। उसके बाद में आता है अर्धस्वर। इससे पहले अर्धस्वर से पहले आता है स्वर, यंत्र की दोनों स्वर तंत्रियों के मध्य वायु रगड़ खाते हुए निकलती है। जब हम है बोलते हैं तो वायु है, दोनों स्वर तंत्रियों के मध्य वायु को रगड़ खाते हुए निकलना पड़ता है, तब तो हम है बोलते हैं। अब देखते हैं अर्धस्वर। अर्धस्वर में यह और वे आता है। यह और वे के बाद में क्या होता है कि वे के उच्चारण में दोनों अक्षर पास आते हैं, जब हम बे का उच्चारण करते हैं, और य के उच्चारण में जीभ का ऊपर का हिस्सा जो कठोर तालु है उसके पास में आता है। उसके बाद में देखते हैं हम संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में की परिभाषा हम देखें तो स्वर रहित दो व्यंजनों का मेल संयुक्त व्यंजन कहलाता है, जैसे कि छह छत्री वाला है, ये के प्लस से प्लस ऐसे मिलकर छत्री बना है, छत्र त्रिशूल वाला है, तय प्लस रे प्लस ऐसे त्रिशूल बना है, जैसे गय है ये जय प्लस णय प्लस ऐसे मिलकर जय बना है, और ये ऋषि है ये से प्लस रे प्लस ऐसे मिलकर ये ऋषि बना हुआ है।